तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का ये तीसरा लिटरेरी फेस्टिवल जिसे आप देख रहे हैं और मुस्तकिल अब तक आप लोग कई सेशंस देखते चले आए हैं। आज हम जिन बड़ी और अहम शख्सियात के साथ आपके सामने आए हैं एक ऐसा मौजू लेकर जो है शाहजहानाबाद के कदीम मंदिर और मसाजिद। इसमें जाहिर है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हमारे साथ सुहेल हाशमी साहब और अशोक माथुर साहब और अहमद मंसूर साहब जो इस सेशन को चलाएंगे, ये तीनों इस सेशन से जुड़े हुए हैं और ये सेशन जो कदीम मंदिरों और मसाजिद पर है उस पर मसूद साहब, अशोक माथुर साहब और सुहेल हाशमी साहब से सवालात करेंगे, बातें करेंगे और ये लोग आपको बताएंगे। शाहजहानाबाद के इस पूरे फेस्टिवल में ये सेशन इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि हमने ये देखा है और महसूस किया है कि वो बहुत सी मसाजिद और बहुत से मंदिर जिनका तारीख की किताबों में जिक्र तो है मगर उनकी सही मालूमात और मौजूदा सूरत हाल इसके बारे में हमें नहीं मालूम है। और अशोक माथुर साहब तो हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं, ये हमें मंदिरों के साथ साथ वहाँ की जो कदीम हिंदुओं की जो बिरादरियाँ हैं उसके बारे में भी बताएंगे। तो मैं बिला ताखीर इस सेशन की इब्तदा करता हूँ, शुरुआत करता हूँ मसूद अहमद साहब और सुहेल हाशमी साहब और अशोक माथुर साहब का बस एक एक जुमले में तारुफ कराते हुए कि अहमद मसूद साहब इस वक्त JNU से PhD कर रहे हैं, बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं और इन बहुत संजीदा आदमी हैं। इनकी एक किताब फहम इदराक के नाम से मंजर आम पर आ चुकी है और मुस्तकिल ये नए नए मौजूआत पर लिख रहे हैं। शाहजहानाबाद के मौजू से इनको खास शगफ है, वो भी मंदिरों मस्जिदों के मौजू पे इन्होंने काफी रिसर्च की है। अशोक माथुर साहब जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक बड़े मीडिया हाउस से वाबस्ता है और जो खालिस दिल्ली वाले हैं इस वक्त, जो लोग इस वक्त दिल्ली की तहजीब को, वो तहजीब जो अब खत्म होती जा रही है, मिटती जा रही है, उसको महफूज करने वाले जो लोग हैं दिल्ली में, उनमें से एक नाम अशोक माथुर साहब का है। आज अशोक माथुर साहब भी हमारे साथ हैं और इसी तरह हमारे साथ एक और बड़े दिल्ली वाले जिन्होंने न जाने कितने तलबा को ये बता दिया, कितने स्टूडेंट्स को ये बता दिया कि दिल्ली क्या है और दिल्ली किस तरह से वजूद में आई, किस तरह से रोज बरोज बदल रही है और किस तरह से दिन ब दिन उसमें पुरानी इमारतों का कहां कहां क्या क्या रोल रहा है, क्या क्या किरदार रहा है और आज उन पुरानी इमारतों से हमें कैसे जुड़ना चाहिए, कैसे वाबस्ता होना चाहिए। तो सुहेल हाशमी साहब हमारे साथ हैं जिनका खालिस तारुफ ये है कि ये खालिस दिल्ली वाले हैं। तो मैं बिला ताखिर इस सेशन की शुरुआत के लिए मसूद भाई आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस सेशन को शुरू करें। बहुत शुक्रिया तालिफ साहब। ये अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद लिटरेरी फेस्टिवल का छठा सेशन है जिसमें हम दो बेहद अहम शख्सियात जनाब सुहेल हाशमी साहब और जनाब अशोक माथुर साहब से शाहजहानाबाद की कदीम मस्जिदों और मंदिरों पर बातचीत करेंगे, उनकी तारीखी अहमियत जानेंगे और वक्त के साथ साथ उन्हें किस तरह के हालात से गुजरना पड़ा, इन तमाम बातों पर आज रोशनी डालेंगे ये दोनों बेहद अहम शख्सियात। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, हम सब जानते हैं कि जब शाहजहानाबाद में आगरा से शाहजहां ने अपना दारुल खिलाफा मुंतकिल किया, ये 1639 की बात है और उसके बाद उन्होंने जब ये एक शहर बसाया पूरा शाहजहानाबाद का और इसके चारों अतराफ बल्कि हर तरफ से जो दरवाजे बनवाए गए जिनमें एंट्री भी हुई, दो अभी तालिफ साहब कह रहे थे कि दोनों लोग जिनका ताल्लुक दिल्ली से है और वो भी वो दिल्ली के जो अपने आप में किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और मैं कश्मीर से हूँ तो मैंने कश्मीरी गेट से एंट्री की है और बाकी गेटों की जो भी जानकारी होगी वो इन दरवाजों की हम अपने मुअज्जज मेहमानान से जानेंगे। तो सुहेल हाशमी साहब, मैं आपकी खिदमत में सबसे पहले हाजिर होता हूँ। सर, मेरा बुनियादी सवाल ये है कि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो भी रिलीजियस बिल्डिंग्स हैं, चाहे उन्हें आप मंदिर कह लीजिए, मस्जिद कह लीजिए, किन बुनियादों पर उन्हें हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स कहा जा सकता है या उन्हें हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स का दर्जा दिया जा सकता है? देखिए, ये बुनियाद के कौन सी बिल्डिंग तारीखी है, हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस की है, ये उसका जो क्या शरायत उसको पूरी करनी चाहिए, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने
1888 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्याम हुआ, तो उस वक्त ये तय हो चुका था कि वो इमारत जो कम से कम 125 साल पुरानी है और जिनकी कोई तारीखी या जो फन तामीर है, आर्किटेक्चर है उसके हिसाब से, या आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस उनकी अगर है, आसार कदीमा के में शामिल है वो, या उनकी जो जिस जो उनकी शक्ल सूरत है, हयात है, उसमें कुछ खसूसियत है जिसकी वजह से उसको बचा के रखा जाए, और या उसकी कोई तारीखी अहमियत हो, तो ये तमाम जो तीन चीज़ें हैं वो अगर कोई इमारत पूरी करती है तो वो तारीखी एतबार से इस काबिल समझी जाती है कि उसे बचा के रखा जाए। तो मेरे हिसाब से यही तरीका है, और ये जाहिर है ये तारीख का तरीका है, तो ये तारीखी एतबार से ये साबित होना चाहिए कि ये इमारत कम से कम 125 साल पुरानी है, या 150 साल पुरानी है, या 200 साल पुरानी है, और इसकी जो बनावट है वो एक वो अहम है, इसलिए उसे बचा के रखना चाहिए, और इसकी हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। तो इस इन शरायत पे जो इमारतें पूरी उतरेंगी वो तारीखी एतबार से इस काबिल समझी जाएंगी कि उन्हें बचा के रखा जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी इमारतें जो इन तीनों चीज़ों पे पूरी होती हैं वो प्रिजर्व होती हैं, वो एक अलग मसला है, उसके बारे में शायद आगे मौका मिला तो हम बात करें। जी बहुत शुक्रिया अशोक माथुर साहब, आपकी खिदमत में मेरा ये सवाल रहेगा कि हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क हमेशा से गंगा जमनी तहजीब का अक्कास रहा है, और हम इसमें जितने भी रहने वाले लोग हैं मुख्तलिफ मजाहिब के, मुख्तलिफ रंग नस्ल के, हमें इस पे हमेशा से फख्र भी रहा है। तो सर आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह शाहजहानाबाद की जो मंदिर हैं या वहाँ की जो मस्जिदें हैं उस वक्त की, अगर हम अपने मौजू के उनवान से देखें तो जो 2 सदियों जिन पे हम बातचीत कर रहे हैं, तो वो किस तरह इस गंगा जमनी तहजीब की अक्कास रही है और अभी भी जो मौजूद हैं, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं उनसे जुड़ी हुई जो हमें ये दिखाती हैं कि हाँ ये एक उसको कह लीजिए कि अभी एक लाइव एग्जाम्पल है हम सब के लिए उस गंगा जमनी तहजीब को सजने के लिए और उस पर अमल करने के लिए। मसूद भाई, पहले तो मैं अंजुमन उर्दू तरक्की हिंद का और आपका, तालीफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे इस लायक समझा कि मैं सोहेल हाशमी साहब के साथ को पैनलिस्ट रहूं, और जो भी मेरा थोड़ा बहुत जानकारी है शाहजहानाबाद के बारे में उसको मैं शेयर कर सकूं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और सुनने वालों को कि शाहजहां जब आगरा से यहाँ दिल्ली आए और उन्होंने शाहजहानाबाद बनाने की बात करी, तो मैं आज तक ये जब भी इंट्रोड्यूस करता हूँ शाहजहानाबाद को, तो मैं कहता हूँ कि एक सिटी नहीं, एक सिविलाइजेशन थी जिसमें कि अलग अलग जो है वो कास्ट के, क्रीड के, प्रोफेशन के शाहजहां जो है वो लोगों को उन्होंने लाके और बसाया, और यहाँ पे जो है वो उनको जो है वो जगह जो है वो प्रोवाइड करी। और जैसे कि हम अगर बात करें तो कायस्तों की, मैं अपनी बिरादरी की अगर बात करूं तो यहाँ आप रोशनपुरा आ जाइए, चेलपुरी आ जाइए, चीराखाना आ जाइए, कटरा आपका चीराखाने में आ जाइए, रोशनपुरा चौकराई जी, दरीबा कला इस एरिया में आ जाइए, तो यहाँ हम लोग कायस जो कि प्रोफेशन में रहे वो उनको ये एरियाज जो हैं वो दिए गए। इसी तरीके से जो है वो खत्री जो थे वो कटरा नील में और छिपीवाड़े में आपको उनको डोमिनेंस और प्रोमिनेंस मिलेगी। तो ये एक, और इन्हीं तरीके से जो है इन्हीं के, इन लोगों के मंदिर और इन्हीं लोगों के मसाजिद जो है वो इन सबको आपको देखने को अभी तक आज तक मिलते हैं। ये एक मेयर फैक्ट की एक जैन मंदिर जो है वो बिल्कुल अपने लाहौरी गेट के सामने है लाल किले के, ये एक बड़ा एग्जाम्पल है गंगा जमनी तहजीब का जो आप बात करते हैं, और बाकी और मंदिर और मस्जिद जो एग्जिस्ट आज तक कर रहे हैं, और
I should call that they are being used to practice the faiths. Is an example ki Ganga Jamuni tehzeeb ka aur ek saath kai maashron ka zinda rehne ka ek bada example hai Shahjahanabad. Ji sir, baja farmaya aapne. Aur Suhail Hashmi sahab, main आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम अपने जो मस्जिदों के ताल्लुक से बहस का आगाज कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हम अपने शाही जामा मस्जिद को लेते हैं। जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान से या हिंदुस्तान के बाहर से जो भी सैर व सियाहत की गरज से हिंदुस्तान में आएगा वो उस वक्त तक अपने टूर को अधूरा समझता है जब तक शाही मस्जिद को या लाल किला को या इससे सटी हुई जितनी भी तारीखी इमारतें हैं उन्हें न देख पाए। तो सर, ये जो शाही मस्जिद है इसकी तारीखी अहमियत क्या रही है, आज के दौर में उसकी तारीखी हैसियत कैसी है और आने वाले वक्तों में क्या वो इसी हैसियत और इसी अहमियत के साथ जिंदा रहेगी, इस ताल्लुक से आप रोशनी डालें। देखिए, मुस्तकबिल में क्या होने वाला है इसको तो अल्लाह ही बेहतर जानता है जी। और तो उसकी क्या अहमियत रहेगी नहीं रहेगी, वो मस्जिद बचेगी नहीं बचेगी, वल्लाह आला। लेकिन ये तय है कि जब शाहजहां ने ये मस्जिद तामीर करवाई और इस मस्जिद के तामीर का काम 1656 में मुकम्मल हुआ जी। लाल किले का और शहर का इफ्तिताह 1648 को हो गया था। उसके 8 साल के बाद जामा मस्जिद की तामीर का काम पूरा हुआ और जिस वक्त से मस्जिद बनी उस वक्त से वो इसने वो अहमियत इख्तियार कर ली कि उसके बाद के 100-150 साल में जितनी मस्जिदें बनी हैं उन सब ने किसी ना किसी शक्ल में इससे इंस्पिरेशन ली है, इसको कॉपी किया है। चाहे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद हो, चाहे वो शाहजहां बेगम जो भोपाल की बेगम थी उन्होंने ताजुल मसाजिद बनाई हो, और सैकड़ों मस्जिदें उन्होंने इस मस्जिद का डिज़ाइन लेके उसको कॉपी किया है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि फन तामीर के एतबार से ये बहुत ही खूबसूरत इमारत है और ये पहली मस्जिद है मेरी नज़र में जिसमें मीनारों का इस्तेमाल हुआ है। उससे पहले हिंदुस्तान की किसी मस्जिद में मेरी नज़र में मीनार नहीं। और ये कहानी जो हमको बताई जाती है कि मीनार पर चढ़ के अजान दी जाती है वो भी यहीं से शुरू हुई होगी। और ये हालांकि मैं टेस्ट कर चुका हूँ कि इस मीनार पर चढ़ के अजान दी जाए तो ज़मीन पर आवाज़ नहीं आती। तो ये मीनार कभी भी अजान देने के लिए इस्तेमाल नहीं हुए। अब जो लाउडस्पीकर लगे हैं वो भी अगर मीनार के बिल्कुल ऊपर लगा दिए जाएं तो ज़मीन पे आवाज़ नहीं आएगी। तो लेकिन वो एक अलग अलग मसला है वो क्यों ये सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन आर्किटेक्चरली ये जो दो मीनार हैं वो उन तीन गुंबदों को और वो जो ईवान है जहाँ पे जो प्रेयर चैम्बर है उसको फ्रेम करने के लिए इनका इस्तेमाल किया। और फिर ये बहुत जल्दी ये मीनार जो थे वो वाहिद चीज़ बन गए जो अगर आप दिल्ली आ रहे होते तो सबसे पहले आपको मीनार देखते। तो मीनार देखते लोग कहते थे हाँ भाई अब दिल्ली पहुँच गए। ये मस्जिद एक टीले के ऊपर बनाई गई थी और इसलिए ये सबसे ज़्यादा शहर का सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट लैंडमार्क था। और ये क्यों इतनी बड़ी मस्जिद बनाई गई, वो मेरे ख्याल से तो ये जो बादशाह जब बनवाया करते थे तो वो अपने जो उनका उनकी जो पावर थी उनकी जो ताकत थी उनका जो पूरा उनका जो शान व शौकत थी ये उसका इजहार करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई जाती थी। और इसकी तारीखी अहमियत सिर्फ ये नहीं है कि इसको शाहजहां ने बनवाया था, वो है, ये भी उसकी अकेली वाहियत अहमियत नहीं है कि ये शहर की सेंट्रल मस्जिद थी, वो उसकी ये भी उसका एक मेजर पॉइंट है। लेकिन
इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि इसके ऊपर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया और अंग्रेज़ों से इस मस्जिद को आज़ाद कराना ये एक मुहिम बन गई थी। दिल्ली की सारी मस्जिदों के ऊपर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया था, अकबर आबादी मस्जिद को तोड़ा था, फतेहपुरी मस्जिद के सामने की दुकानों को नीलाम किया था, वो औरंगज़ेब की बेटी ज़ीनत-उन-निसा बेगम ने जो मस्जिद बनाई थी उसको बेकरी में कन्वर्ट कर दिया था और इस मस्जिद में फौजी आके रहे। तो ये उस वक्त शहर के तमाम लोगों की ख्वाहिश थी कि ये मस्जिदें खाली कराई जाएं और मुसलमानों को वापस। इसकी इम्पोर्टेंस ये भी थी कि क्योंकि ये मस्जिद वो थी जो बादशाह ने बनाई थी ख़ास तौर से, और बादशाह ही बाकी जो मस्जिदें थी दिल्ली की, फतेहपुरी जो बड़ी मस्जिद थी, जो दूसरी मस्जिद थी सरहिंदी मस्जिद या अकबर आबादी मस्जिद, ये मस्जिदें शाहजहाँ की बेगमात ने बनाई थी और ये शाहजहाँ की अपनी मस्जिद थी, मतलब शाहजहाँ ने इसको बनवाया था। तो इसलिए भी इसकी इम्पोर्टेंस थी और इसका जो इस मस्जिद का जो इमाम था वो भी शाहजहाँ ने ही अपॉइंट करवाया था, तो उसकी वजह से भी इसकी ये इम्पोर्टेंस थी। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जिनकी बिना पर इस मस्जिद की इम्पोर्टेंस है। मेरे ख्याल से इसकी सबसे बड़ी जो इसकी जो अहमियत है वो ये कि ये बहुत खूबसूरत बनी और इसलिए इसने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बर्रे-सगीर में बहुत सी मस्जिदों के डिज़ाइन को इंस्पायर किया। तो ये मेरा ख्याल है इसकी पहली इम्पोर्टेंस है। दूसरा ये कि इसके ऊपर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया था और उसके साथ उसकी वजह से इस मस्जिद के साथ हिंदुस्तान के अवाम के बड़े हिस्से के इमोशंस भी अटैच्ड हो गए। जैसे लाल किले को से अंग्रेज़ों को निकलवाना एक इम्पॉर्टेंट सवाल था, ऐसे ही जामा मस्जिद को खाली करवाना भी अंग्रेज़ों से उस वक्त एक इम्पॉर्टेंट सवाल, एक अहम सवाल बन गया था। जी सर, इसी से जुड़ा हुआ इसी अशोक माथुर सर कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे ख्याल से शायद इस्लामाबाद की मस्जिद जब बनी उससे पहले तक वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो जामा मस्जिद दिल्ली की थी मेरे ख्याल से। मेरे को हाशमी साहब शायद इसको ये मुमकिन है कि जिस वक्त ये बनी हो उस वक्त ये दुनिया की बड़ी मस्जिदों में सबसे बड़ी, एंड मुमकिन है कि इसमें 20,000 लोग समा सकते हैं, नमाज 20,000 नमाजी इसमें एक वक्त में नमाज पढ़ सकते हैं। हालांकि इसके कुछ बरस के बाद औरंगजेब ने जो बादशाही मस्जिद लाहौर में बनाई वो जामा मस्जिद से 1.5 गुना बड़ी है, और अच्छा। फिर जो और जो शाहजहां बेगम ने ताजुल मसाजिद बनाई वो भी जामा मस्जिद से 1.5 गुना बड़ी है। वो हमारे बस स्टैंड पर जो लिखा हुआ है कि ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, ये पता नहीं किसके दिमाग की पैदावार है। तो ये और ये साइज हर चीज तय नहीं करता है, मतलब अगर आपका सीना 56 इंच का है तो आप सबसे ज्यादा बहादुर नहीं हो जाते, मतलब ये चीजें सबसे बड़ी है सबसे बड़ी नहीं है, ये सबसे उस वक्त की और मैं समझता हूँ अब भी दुनिया की खूबसूरत तरीन मस्जिदों में से एक। इसमें कोई एक्सेसिव ऑर्नामेंटेशन नहीं है, हर तरफ मीनार नहीं निकले हुए हैं, हर तरफ कंगूरे नहीं है, ये बहुत बैलेंस बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत एस्थेटिकली डिजाइन्ड। जी 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 मैं समझता हूँ उस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस है साइज की वजह से। जी बहुत खूब सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा, जो मेरा जाती तजस्सुस इसे कह लीजिए कि मुझे हमेशा ये क्यूरियोसिटी रही कि मैं इसको जानूं, कि जब हम कश्मीर में होते हैं तो जब रोजे के अफतारी का वक्त आता है तो मुख्तलिफ मसाजिद से ऐलान होता है कि अब अफतारी का वक्त हो चुका है लिहाजा आप लोग अपना अपना रोजा छोड़ दें। लेकिन जब मैं दिल्ली में पहुंचा पहली मर्तबा और इत्तेफाक हुआ मुझे वहां पे अफतारी करने का, तो मैंने देखा जो ही वक्त हुआ अफतारी का तो एक पटाखा फोड़ा गया और उसने बहुत जोर की आवाज दी, मुझे यूं लगा कि शायद कुछ ब्लास्ट हुआ है या क्या है, तो वो पटाखा फूटते ही लोगों ने अफतारी करना शुरू कर दिया। तो सर ये जो एक रिवायत इसे कह लीजिए या एक तरीका कार कह लीजिए कि पटाखा जिसको
अगर मजहबी एतबार से देखें तो शब बरात पे हमारे यहाँ जो पटाखे फोड़े जाते हैं या जो चिराग वगैरह जलाए जाते हैं, आगजनी की जाती है, उसे तो मना किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इतना एक बेहतरीन रोज़ा आपको जो फ़र्ज है उसकी इफ्तारी के लिए आप पटाखे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसकी ये तारीखी अहमियत या हैसियत क्या रही है? इस रिवायत शुरू कब से हुई? आप दोनों अहबाब इस पर रोशनी डालें तो शायद मेरी ये क्यूरियोसिटी कुछ हद तक दूर हो पाए। देखिए, मैं नहीं समझता कि ये इलाकाई हो सकता है। ये मुमकिन है कि ये सिलसिला शाहजहां के वक्त में शुरू हो गया हो, और मुझे पता नहीं वो पटाखा होता है या वो कोई गोला होता है। नहीं, वो किसी मुझे मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ साहब ये रोजा खुलने के वक्त पे, और मुझे लगता है कि ये एक दिस हैज ए रॉयल एलिमेंट टू इट, और इसमें शायद एक शायद किसी जमाने में तोप छोड़ी जाती थी, क्योंकि दिल्ली शहर थोड़ा बड़ा था, इसलिए तमाम लोगों को ये पता चल जाए कि रोजा खुलने का वक्त हो गया। तो तो ये एक मेरे ख्याल से जो है वो नहीं, I agree with you। मैं यही अर्ज करने वाला था कि मेरा ख्याल है कि जो अब पटाखा है, क्योंकि अब आप अपने मस्जिद के सामने आप तोप रख के नहीं दाग सकते, चाहे वो खाली शेल ही हो, उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी, तो अभी एक बड़ा सा क्रैकर बस किया जाता है। पर ये मेरा भी मानना यही है कि इसकी शुरुआत एक तोप का गोला दागने से की जाती होगी, वो एम्प्टी ही फायर होता होगा लेकिन उसकी आवाज होती होगी बारूद के फटने की, जिससे दूर तक लोगों को पता चल जाए कि आज इफ्तार का वक्त हो गया। मसूद साहब, आज आपने उसको पटाखा कह दिया, लेकिन हम हमेशा उसको ये कहते थे कि तोप छोड़ी गई है और रोजा खुलने का टाइम हो गया। हाँ, वो मुहावरा उसके लिए यही है कि गोला दाग दिया गया है, गोला दाग दिया। और मेरा ख्याल है कि ये जो सहरी का वक्त खत्म होता है उस वक्त भी दागा जाता था। जी हाँ, शहरी का वक्त खत्म होता था, शहरी का वक्त खत्म होता था तो लोग जो है वो कुछ लोग गली में जो है वो जाके और बताते भी थे। एक वो तो शहरी का शहरी के दौरान आते थे, वो दौरान आते थे और लोग शहरी का वक्त। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक ताशा जो है उनके हाथ में रहता था, ताशा बजाते हुए। और हाँ जी जी जी, अभी कुछ 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 जगहों में है वो, अभी भी कुछ जगहों में है भी वो रिवायत। जी जी हाँ, अभी कई ये रस्म शहरी में ये रिवायत, शहरी में जगाने की रस्म तो अभी अच्छी खासी तादाद में मौजूद है, मुख्तलिफ इलाकों में ये पाई जाती है। सुबह लोग एक काफले की सूरत में जाते हैं, पांच दस हमारे पुरानी दिल्ली में बिल्कुल बरकरार है अभी भी। जी जी जी, बिल्कुल। अशोक सर, मैं ये बताएं आप कि ये जो ललजैन मंदिर है और आपा गंगाधर मंदिर है, जिसे गौरी शंकर मंदिर भी कहा जाता है जी, इनके ताल्लुक से आप हमें कुछ जानकारी फराहम करेंगे, बुनियादी जानकारी? जैन मंदिर को जिसको हम लाल मंदिर कहते हैं, उस वो लश्करी मंदिर भी कहलाया जाता है और उर्दू मंदिर भी कहलाया जाता है वो, और एक जैन जो है वो शाहजहां के फौज में एक सोल्जर थे, कहा जाता है कि वो उन्होंने एक प्रतिमा लाके जो है वो महावीर जी की वो रखी थी और वो पूजा करते थे उसकी, और वहीं से जो है वो एक मंदिर बना, और उसके बाद फिर जो है वो जो अब जो जिस शेप में आपको नजर आता है उसमें काफी तब्दीलियां करी गई, और एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो अब मेंटेन होता है उस मंदिर में वो है बर्ड हॉस्पिटल, वहां से एक अस्पताल भी चलाया जाता है जिसमें कि जानवर जो है वो रादर बर्ड जो है वो इंजर्ड बर्ड जो है वो वहां लाके ट्रीट किए जाते हैं। और उस मंदिर के अलावा मेरे ख्याल से करीबन 35-40 बहुत प्रोमिनेंस के एक से खूबसूरत जैन मंदिर जो है वो दिल्ली में जो है वो बरकरार है अभी तक, अपनी खूबसूरती के साथ और अपने पूरे सिलसिले से जो है वो वहां अभी भी पूजा होती है जी। जिसमें मैं मेंशन करना चाहूंगा दिल्ली गेट का जैन मंदिर, जिसमें हाँ, जिसमें 24 तीर्थांकरों की जो है वो आइडल्स जो है वो अभी भी वहां पूजे जाते हैं, और मेरे ख्याल से मंदिर जो है वो 1790 AD 1800 अर्ली 1800 का जो है वो उसकी जो है वो एज बताई जाती है।
नया मंदिर जो कि फिर दोबारा लेट 1700s और अर्ली 1800s का है, इसको अकबर शाह और शाह आलम के जमाने में ट्रेजरर थे हरसुक राय, उन्होंने बनाया था। और उसकी इम्पोर्टेंस एक मैं आपको बड़ी अच्छी बताता हूँ कि शाम को जो है वो मंदिर नहीं खुलता है। अच्छा। मंदिर सिर्फ सुबह खुलता है, और शाम को इसलिए नहीं खुलता कि उसमें जो है वो अगर आप कोई दिया जलाएंगे या कोई बत्ती जलाएंगे तो उसमें जो है वो मच्छर कीट जो है वो आते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आके और उसके ऊपर ये माना जाता है कि वो मर जाते हैं। तो यहाँ तक कि उनके उनको ख्याल रखते हुए जो है वो शाम को मंदिर और कोई लाइट जो है वो उसमें जलाई नहीं जाती है। तो नया मंदिर जो धर्मपुरा में है उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि शाम को वो मंदिर नहीं खुलता। और ऐसे ही पंचायती मंदिर है भूतवाली गली में, वो भी बहुत खूबसूरत है, उसके अंदर भी एक बाहुबली की जो है वो अब लेटली जो है वो बड़ी खूबसूरत एक प्रतिमा लगाई गई है, और एक से एक खूबसूरत जैन मंदिर देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। नौगढ़े में एक बहुत खूबसूरत मंदिर है, सतखड़े में एक बहुत अच्छा मंदिर, बहुत खूबसूरत मंदिर है, और ऐसे चहलपुरी का मंदिर भी बहुत खूबसूरत है। चहलपुरी का मंदिर जो जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ वो वही मेरू मंदिर कहलाता है वो जी, और जी। उसी में जो है वो भूतवाली गली में आके वहीं से नया पंचायती मंदिर है। और धर्मपुरा तो एक जैसा मैंने बताया ना कि एक वो एक एरिया ही ऐसा है जिसमें जैन जैन जैनियों का जो है वो डोमिनेंस और प्रोमिनेंस रही, रहने की भी और मंदिरों की भी। जी हाशमी सर, ये जो अशोक माथुर साहब ने फरमाया कि इसे लश्कर मंदिर भी कहा जाता है और उर्दू मंदिर भी कहा जाता है जैन मंदिर का नाम, तो क्या इसके साथ वही कहानी तो नहीं जुड़ी हुई जो उर्दू जबान के साथ है कि तुर्की का लफ्ज है और इसके माना लश्कर के हैं? जो जो ये दिगंबर जैन लाल मंदिर है जहाँ पे वाक़े है, यहाँ से लेके और जहाँ सुभाष पार्क है, ये एक बहुत बड़ा मैदान था, और इस ये जामा मस्जिद के सामने और जामा मस्जिद और लाल किले के बीच में ये मैदान था, और इस मैदान में फौज रहा करती थी, और ये उर्दू मैदान कहलाता था, और लाल किले का एक और नाम उर्दुआए मोहल्ला था, क्योंकि वहां पर फौज का चीफ कमांडर बादशाह रहा करता था, तो वो उर्दुआए मोहल्ला था, और ये कैंप था, ये उर्दू मैदान कहलाता था जहां पे फौज का कैंप हुआ करता था। और इस मैदान के दो तरफ उर्दू बाजार थे, एक वो जो उर्दू बाजार वाते है और दूसरा ये जहां पर जैन मंदिर है। 1920 में बशीरुद्दीन अहमद की किताब वाकयात दारुल हुकूमत दिल्ली छपी, उसमें इस मंदिर का नाम उर्दू मंदिर है। 1920 तक, मतलब आज से 102 साल पहले तक, तो ये डेफिनेटली उर्दू मंदिर कहलाता था। और उर्दू मंदिर इसलिए कहलाता था जैसा अशोक भाई ने कहा कि शाहजहां की फौज के कुछ जैनी सिपाहियों ने यहां मंदिर बनाया था, और क्योंकि वो फौजियों का बनाया हुआ था इसलिए वो उर्दू मंदिर कहलाता था। लश्करी मंदिर भी कहलाया गया, लश्करी मंदिर उर्दू मंदिर कहलाता था, और क्योंकि उर्दू तुर्की जबान में फौज को कहते हैं, और ये नाम इस जबान के साथ बाद में जोड़ा, इसको लश्करी भी कहा गया, और इसके तमाम नाम हुए जिनमें से एक नाम उर्दू भी था जो इसके लिए बहुत बाद में इस्तेमाल होना शुरू हुआ जबान के लिए, लेकिन फौज के लिए तो उर्दू का लफ्ज बहुत इस्तेमाल हुआ। जी हुजूर जी। और ऐसे ही मैं अगर आपको एक किसी मंदिर का जो है वो एग्जांपल दूं तो मेरे ख्याल से मसूद साहब जी उनकी लिंक टूट गई, चलिए हम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं, वो आ जाएंगे। जी। एक मंदिर के बारे में आपको मैं बताऊं तो वो तोपखाने वाला मंदिर कहलाया जाता है। तोपखाना जिसको मैं भूत वाली गली बता रहा हूँ चौकराई जी के पास, वहाँ एक मंदिर है शिवाला है जो कि तोपखाने वाला मंदिर कहलाता है, और एक हवेली है जिसको तोपखाना कहा जाता है,
वहां एक साहब जो रहा करते थे वो आर्टिलरी जो है वो सप्लाई करते थे, और 1857 तक उन्होंने अंग्रेजों को आर्टिलरी सप्लाई करी। और उनका जो मंदिर बनाया हुआ है वो उसको तोपखाने का मंदिर कहा क्या जाता है उसको। अच्छा, मैंने आपसे ये शायद महसूस साहब कहीं कुछ बीच में से कनेक्टिविटी उनकी प्रॉब्लम हो रही है। अशफ साहब, एक सवाल मुझे भी आपसे, जब तक महसूस साहब आ रहे हैं, अच्छा वो मौका मिल गया, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो बाज मस्जिदें जो हैं उनके कुछ नाम पहले तारीख में कुछ दिए हुए हैं, अब देखता हूं तो उनके नाम कुछ हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये देखा कि वो जो हमारा जो छत्ता लालमिया है उसमें 3 मस्जिदें हैं, और तारीख में भी छत्ता लालमिया में 3 मस्जिदें बताई गई हैं, और उन 3 मस्जिदों में जिनमें छत्ता लालमिया की जिन 3 मस्जिदों का जिक्र तारीख में है वो अब भी हैं लेकिन उनके नाम बदले हुए हैं। तो क्या ये, और मस्जिदों में एक मसला ये देखने को मिला मुझे कि वो मस्जिदें जो हैं वो अभी भी वो हैं तारीखी मस्जिदें मगर उनके नाम वो नहीं है, जैसे मस्जिद कस्साबा। तो इसके हवाले से कुछ आप हमें बताएं हाशमी साहब कि ये क्या सिलसिला है। देखिए, एक तो कुछ ये होता है कि बहुत सारी कुछ जगहों के नाम तो हुकूमतें बदल देती हैं, जैसे हार्डिंग ब्रिज तिलक ब्रिज बन गया, और अभी कोशिश की गई कि हौस काजी का नाम बदल के किसी एमसीडी के किसी सिटी काउंसिल के चेयरमैन के नाम पर रख दिया जाए। तो वो बड़शा बोला चौक का नाम बदल के दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शुभ माँ मूर्ति चौक रख दिया है। ना वहाँ कोई मूर्ति है ना कोई मंदिर है, लेकिन चौक के ऊपर पत्थर लगा दिया गया शुभ माँ मूर्ति चौक। तो ये कुछ तो ऐसी हरकतें सरकारें करती हैं और आजकल बहुत कर रही हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि लोग नाम बदलते रहते हैं, कुछ लोग नाम बदलते हैं। तो वो मस्जिद रही होगी जो उस इलाके में कस्साब रहते होंगे वो, और उनकी बनाई हुई मस्जिद होगी और वो मस्जिद कस्साबा कहलाती होगी। बाद में वहां के लोग बदल गए और उन्होंने उस मस्जिद का नाम बदल दिया। अच्छा, तो या लेकिन आचार्य साहब ऐसा, जी, इसका उल्टा भी हो सकता है कि पहले उस मस्जिद का नाम कुछ और हो और अब वो कस्साबों की मस्जिद के नाम से मशहूर हो गई। मशहूर हो, सही बात। मतलब छोटी मस्जिद, वो छोटी मस्जिद जो है वो तारीख में किसी और नाम से है और अब जो है वो छोटी मस्जिद के नाम से मशहूर हो गई। वो ये सिलसिला है, और ये चीज मैंने भी, लेकिन मैंने ये, माथुर साहब आप यहाँ मौजूद है, मैंने मंदिरों के मुताल्लिक ये चीज कम देगी कि मंदिरों के नाम तब्दील हो गए, तो क्या इसके पीछे कोई साइंस काम करती है? अभी आपके सामने जिक्र हो रहा था ये जो उर्दू मंदिर कहलाता था ये अब दिगंबर जैन लाल मंदिर कहलाता है। हाँ, मतलब ये मतलब एक मेजॉरिटी में मुझे आया कि मंदिरों के नाम जरा कम तब्दील हुए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये प्रोसेस बिल्कुल हाशमी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये चलती रहती है, इसलिए कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई जनरेशन, कई फैमिलीज ऐसी भी इन बिटवीन आ जाती हैं जो कि मेंटेन करती हैं मस्जिद को, कई मंदिरों को, तो उसमें जो है वो तब्दीलियां आ जाती हैं उस वजह से। कई मंदिर तो ऐसे हैं जो बिल्कुल गिर गए थे, उनको फिर दोबारा जो है उनका जीर्णोद्धार हुआ, दोबारा उनको बनाया गया, तो वो जिसने बनाया, जिसने पैसा लगाया उसके नाम से जो है वो मशहूर हो गया। इंटेंशन रही हो ना रही हो लेकिन मशहूर हो जाता है ऐसे ही जो है। मंदिरों के मुताबिक एक और चीज भी है मुझे लगती है, जी हाशमी साहब कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। वो बशीरुद्दीन अहमद की किताब में जिक्र है बाजार सीताराम में घंटा महादेव मंदिर का, वहां एक घंटा लगुआ करता था, इस वजह से बड़ा सा घंटा था, वो घंटा महादेव कहलाता था। अब वहां 84 घंटे हैं और वो मंदिर 84 घंटा कहलाता है। अच्छा, मैंने 84 घंटे गिने हैं। अच्छा, मैं गया हूँ उस मंदिर में, मैंने गिने हैं 84 घंटे, इसलिए वो 84 घंटा कहलाता है। 84 घंटा है, और 84 घंटों की क्या लॉजिक है? ऐसा कुछ नहीं, बेगम समरू का महल है जी, वो अब भगीरथ प्लेस कहलाता है। लाला अच्छा। भगीरथ ने खरीद लिया था वो पैलेस ऑफ बेगम समरू से बदल के वो भगीरथ पैलेस हो गया। अच्छा। तो ये तो प्रोसेस है जो अपने आप में चलती है। मैं मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, मुझे परेशानी सिर्फ उसमें है जहां पर हुकूमतें
अपने किसी सियासी मकासद के लिए चीजों जगहों के नाम बदलती है। मुझे उससे जो लोग बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, ये लोगों का मुल्क है। मेरे ख्याल से शायद वक्त के साथ लोगों के दरमियान नामों का बदल जाना जो है ये एक नेचुरल सी बात है। हो सकता है कि चीजें वक्त के साथ बदल ही जाती हैं। मात्र साहब, ये अभी सीताराम बाजार का जिक्र आया अभी सोहेल हाशमी साहब ने कहा, मुझे क्या ये, मुझे आप करेक्ट कीजिएगा इसमें, मुझे दुरुस्त कीजिएगा कि क्या ये बात सही है कि पूरे शाहजहानाबाद में सबसे ज्यादा मंदिर जो है वो बाजार सीताराम की तरफ है? क्या ये बात दुरुस्त है? इसमें बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उसका एक रीजन रहा है, मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी जो है वो मंदिर मस्जिद रहने और कई नए मंदिर भी बनते हैं, कई नई मस्जिदें भी बन जाती हैं और बनी हैं। मैं अभी आपको जिक्र करता हूँ, एक पंडित बिशन नारायण हक्सर का एक शिवाला हुआ करता था हक्सर हवेली के पास। आज ही मैं वहां से आ रहा था, देखता हुआ तो वो वहां जो है वो फ्लैट बन गए हैं और उस शिवालय का नामो निशान नहीं है। उसका ट्रेस कोई बचा ही नहीं है। और बड़ा इम्पोर्टेंट कश्मीरियों का जो है वो शिवाला हुआ करता था, जो कि बी एन अक्सर साहब ने बनाया गया के नाम से था, आज उसका कोई ट्रेस ही नहीं है उस मंदिर का। तो ये भी ये जो है, और बाजार सीताराम बाजार की बात करें तो ये जो एरिया है ये डोमिनेटेड था बनियों से, बनियों और ब्राह्मण्स का जो है ये डोमिनेंस वहां पर थी और अभी भी है वहां पे। उसका एक रीजन मंदिरों का रहने का ये कि एफ्लुएंट कम्युनिटी है बनियों की, और जो इनका सोशल लाइफस्टाइल है इस कम्युनिटी का, वो जो है वो अपने घर के बाहर जो है वो ज्यादा एक्टिविटी का था। जैसे आप कायस्थों की अगर आप बात करेंगे तो कायस्थों की कोई आपको जो है वो एक मंदिर के अलावा कोई दूसरा मंदिर नहीं मिलेगा पूरे शाहजहानाबाद में, और ना ही कोई धर्मशाला मिलेगी जो कि कायस्थों ने बनाई हो। लेकिन जितनी भी धर्मशालाएं बनाई गई हैं वो जैनी और बनियों की ही बनाई हुई हैं, क्योंकि अफ्लुएंट कम्युनिटी थी, अपना जो उनका लाइफस्टाइल था सोशलाइज करने का वो बाहर था घर के। हम लोग कायस्थों का अगर हम सोशलाइजिंग की बात करें तो हम अपने घर में ज्यादा सोशलाइज करते थे, ये लोग अपने घर से बाहर ज्यादा सोशलाइज करते थे, जिसमें कि एक बहुत अहम एक्टिविटी थी धर्मशालाएं बनाने की, ट्रस्ट बना के और पंचायती धर्मशालाएं कई बनाई जैनियों ने और बनियों ने, जो कि आज तक एग्जिस्ट करती है पूरे, और आज भी जो है वहां पे लोकल ट्रेडर्स आके ठहरते हैं वहां पे, या तिजारत में जाने आने वाले लोग जो है वो वहां आके ठहरते हैं। तो ऑपरेशनल है अभी भी धर्मशालाएं और मंदिर। सीताराम बाजार में ज्यादा मंदिर होने का रीजन यही है कि वहां एफ्लुएंट कम्युनिटीज थी और वो जो है वो मंदिर में पैसा जो है वो लगाया जाता था, वहां लगाया करते थे। बहुत अच्छी बात आपने बताई मतलब साहब। मैं अभी आपसे एक और चीज पूछूंगा, आप उसको थोड़ा सा वो कर लीजिए, निगमबोध घाट की तरफ आपके पास आऊंगा मैं। अश्विनी साहब, ये क्या है कि ये मैंने वाकयात दारुल हुकूमत में देखा कि शाहजहानाबाद में जो है वो जो वेल नोन मस्जिदें हैं वो 200 हैं और उनको छोटी बड़ी को मिला लो तो वो 400 हैं। इतनी मस्जिदों की जरूरत शाहजहानाबाद में किस बात के लिए पड़ी, जबकि इतनी तो आबादी भी मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी आबादी शाहजहानाबाद में होगी कि 300 और 400 मस्जिदें वहां बनाई जाए। क्या ये कोई फैशन है? नहीं, ये बिल्कुल फैशन है। और ये अजीब मामला है। अगर मैं वो पीछे की तरफ जाऊं तो किसी ने हजरत मोहम्मद से पूछा था कि दो मस्जिदों के दरमियान कितना फासला होना चाहिए। वाह। तो हजरत मोहम्मद ने कहा था कि एक मस्जिद की अजान की आवाज जहां तक सुनाई दे वहां तक दूसरी मस्जिद नहीं बननी चाहिए। क्या बात। अब आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिए, अगर पॉइंट ए के ऊपर मस्जिद है और उसकी आवाज पॉइंट बी तक जा रही है तो पॉइंट बी पे मस्जिद नहीं बन सकती, मस्जिद पॉइंट सी पे बनेगी। बहुत अच्छी बात। पॉइंट सी की आवाज पॉइंट बी तक आएगी, पॉइंट ए की आवाज भी पॉइंट बी तक आएगी, पॉइंट बी वाला आदमी सी में चला जाए या ए में चला जाए। सही। लेकिन अब क्या हुआ, अब एक इस्लाम तो है नहीं जी। तो देवबंदी है, बरेलवी है, अहले तशी है, फिर अहले सुन्नत है, और कितने फिरके हैं,
हर एक आदमी को अपनी मस्जिद, वो डेढ़ ईंट की मस्जिद हर एक आदमी को अपने लिए बनानी है। वो उसके लिए बन रही है, मतलब आप वहां बैठे, मतलब हमारे वो भाई सलीम खुदा बख्शे वो वहां रहा करते थे चूड़ीवालान में जी, तो उनके घर में आप बैठे हो तो अजान का वक्त हुआ, एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट के डिफरेंस से कोई 25 अजाने आप सुन सकते थे। अरे बाप रे, और सबने सबने लाउड स्पीकर लगाए हुए, ये अजीब सी बात है। क्या है लेकिन, मतलब इतनी मस्जिदों की, बकीरुद्दीन अहमद कह रहे हैं 200 मस्जिदें हैं होंगी, बकीरुद्दीन अहमद ने तो जाहिर उनको गिना ही होगा जी जी, इतनी मस्जिदों की जरूरत है क्या वाकई? वाकई अच्छा, उसमें एक अजीब मामला है, ये खास तरह की जैसे कहते हैं कंपटीशन भी है। नहीं तो इसमें कोई शाही अमल दखल नहीं होता था? नहीं, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि देखिए, हिंदुओं में बड़े मंदिर बनाने की कोई परंपरा नहीं है। ओके, हर फैमिली का अपना एक कुल देवता होता था और कुल देवता का मंदिर आप घर के अंदर ही बनाते थे, या जैसे अभी अशोक भाई कह रहे थे कि ये कायस्थों का मोहल्ला था, एक मंदिर है चित्रगुप्त जी का, तो लेकिन छोटे 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 मंदिर हर गली हर मोहल्ले में हुआ करते थे कम्युनिटीज के हिसाब से। मुसलमानों ने भी कंपटीशन में बनाने शुरू कर दिए आप, लेकिन बिना ये समझे हुए कि आप नमाज पढ़ते हैं मजमुई तौर के ऊपर। छोटी छोटी मस्जिदें बनाने से क्या फायदा है? अपने रिसोर्सेज पूल कीजिए, और इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें तो थी ना, लेकिन आप अपने गली से निकल के दूसरी गली में नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे, वहां क्यों जाएंगे हम? उसमें कास्ट का भी मामला है कि सैयद जो है वो कुरैशियों की मस्जिद में नहीं जाएगा, और कुरैशी जो है वो सिद्दीकियों की मस्जिद में नहीं जाएगा, और सिद्दीकी अंसारियों की मस्जिद में नहीं जाएगा। कास्ट सिस्टम भी है, सही कह रहे हो, बिल्कुल है। तो वो भी मामला था भी, तो आपने बताया ना मस्जिद कसाबा, कसाबा मस्जिद, हाँ, तो वो बुचर्स की मस्जिद है जी, जी। उसमें तो, क्या ज्यादातर कसाब ही जाते होंगे? ज्यादातर जाहिर है कि वो पूरा कसाबों का मोहल्ला होता है। पता नहीं अब, मतलब आमतौर पर तो मस्जिद में घुसने वाले से पूछना नहीं चाहिए कि तू कौन है, लेकिन ये जाहिर है कि ये जो स्पेसिफिकेशन है ये जाहिर करता है, कुछ तो जाहिर करता है ये। मतलब ये जो मैं अभी निगमबोध घाट की बात कर रहा था, तो क्या ये निगमबोध घाट जो है, नीली छतरी है, निगमबोध घाट है, इस पे क्या तारीखी मंदिर कभी आबाद थे जिसे औरंगजेब ने तुड़वा दिया, जिन मंदिरों को, या जिन को, क्या कुछ ऐसा कुछ है कि उस जमाने के शाही निजाम में कुछ मंदिरों को तोड़ा गया वहां? नहीं, मैं मंदिर तोड़ने का तो जिक्र मुझे कहीं मैंने पढ़ा भी नहीं और आता भी नहीं, लेकिन हाँ ये है कि जैसे जैसे दिल्ली बड़ी होती गई, वैसे वैसे जो है वो कई जगह जिसको मैं कह सकता हूँ कि मंदिरों की मस्जिदों की खा गए बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी, जिसमें कि एक आपने जिक्र किया अभी निगमबोध घाट का। तो निगमबोध घाट जो है वो बिल्कुल यूं समझिए कि लाल किले से और सलीमगढ़ फोर्ट की दीवार से लगता हुआ और थोड़ा आगे तक जाके जहां अब निगमबोध घाट है, जहां अब क्रिमेशन ग्राउंड है, वो वहां तक एग्जिस्ट करा करता था और वो पूरा घाट कहलाता था। और आगे जाके घाट जहाँ पे क्रिमेशन होता है बॉडी का, उससे पहले जो है वो काफी मंदिर और मस्जिद थे, जिसके अंदर एक बहुत प्रोमिनेंट 450 साल का, जिसमें जिक्र जो है वो बशीरुद्दीन अहमद साहब की किताब में भी आता है, वो है माधोदास की बगीची। अच्छा। माधोदास की बगीची जो है वो अकबर शाह के टाइम की जो है वो मानी जाती है, और जिसके बीच में से सड़क अब निकल गई है जो कि कौड़िया पुल प्रेजेंटेशन स्कूल के सामने से निकलती है और लोहे के पुल को जो है वो कनेक्ट करती है। तो उसने जो है ये माधोदास की बगीची को स्प्लिट कर दिया, जिसका कुछ पार्ट जो है वो अभी सीधे हाथ पे है सड़क के, और कुछ जो है वो उल्टे हाथ पे, जिसमें कि मरघट वाले हनुमान जी का मंदिर अब जो है वो अब है, जिसकी जो सैटरडे और संडे को, सैटरडे और ट्यूजडे को जो है वहां पे काफी लोग जो है वो अभी आते हैं वहां पे पूजा के लिए।
तो माधोदास की बगीची जी, ये जो हाशमी साहब ये जो माथुर साहब बात कह रहे हैं, मुझे इसी से मुतालिक आपसे एक बात पूछनी है जी। माथुर साहब आप कुछ और मजीद उसमें इजाफा कर रहे हैं तो आप बता दीजिए मुझे। मैं इजाफा ये कर रहा था कि जिक्र जो है वो माधोदास की बगीची से आया, तो कई बगीचियां भी हुआ करती थी और वो सिर्फ हिंदुओं की नहीं हुआ करती थी, जिसमें बड़े बड़ी खूबसूरत बगीची जो है इसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, मौलवी काजी नबीउल्लाह साहब का, मौलवी काजी नबीउल्लाह साहब का बाग कहलाता था, काजी हौस जो आज कहलाता है, काजी हौस जी जी, उसमें अभी एक बहुत ही खूबसूरत बहुत ही छोटी सी फसाद का जो है वो एक मस्जिद जो है वो अब बाकी रह गई है, जिसमें आप दरवाजा खोल के अंदर जाएंगे तो यू विल बी सरप्राइज टू सी अ ब्यूटीफुल मॉस्क इनसाइड, और एक बहुत खूबसूरत जो है वो छोटा सा वजू करने का हौस भी है वहां पे, वो काजी साहब का हौस वाली मस्जिद जो कहलाती है। तो ये बगीची जिसको मैं कहूँ, जिस का जिक्र मैं कर रहा हूँ, तो माधोदास की बगीची का जिक्र मैं करूंगा और चरणदास जी की बगीची का मैं जिक्र करूंगा इसमें। चरणदास जी जो है वो एक साधु हुए और उनका जो ये बगीचियां मंदिर नुमा कोई चीज थी, ये बगीचियां थी, ये बगीचियां थी, बाकायदा बाग थे जिसके बीच में जो है वो मंदिर और छतरियां थी, बारह दरिया और छतरियां थी और अलग अलग, और बहुत सारी बगीचियां थी। ये अजमेरी गेट से अगर आप तुर्कमान गेट की तरफ चले तो बगीची तनसुख राय थी, बिल्कुल शहर की फसील के साथ साथ, और ऐसे छोटे छोटे वो है वो जो है बाग दीवार कहलाता था बाग दीवार। तो ये बगीचियां ज्यादातर हिंदुओं की थी या ज्यादातर मुसलमानों की थी? ये मिक्स थी, जिसमें मैंने आपको काजी नबीउल्लाह साहब का जो है वो बाग बताया। जो मतलब साहब आपने जो कहा कि बगीचियों के दरमियान में मंदिर और छतरी होता था, तो क्या जो मुसलमान बनवाते थे उनके दरमियान में मस्जिदें हुआ करती थी? जरूर लाजिम है। अच्छा ये जी जी जी, तो उसमें हाँ, और प्राइवेट मस्जिद भी हुआ करती थी। ये मेरे ख्याल से जो अब हौज वाली मस्जिद है, मुझे हाशमी साहब क्लियर इसको शायद करेक्ट करेंगे इफ आई एम रॉन्ग, कि वो एक प्राइवेट मस्जिद हुआ करती थी उनकी और रिहायशी। मुझे आई हैवंट कम अक्रॉस एनी रेफरेंस, बट इट इज पॉसिबल, क्योंकि वो जो उमरा थे जिनकी बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी, वो मस्जिदें बनवाया करते थे, जो उनकी हवेली में जो लोग रहते थे, वो हाउस होल्ड भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो चचा ताया भतीजे ये सब के सब उस मस्जिदों में नमाज पढ़ा करते थे। तो ये छोटी मस्जिदें बहुत सी हुआ करती थी, जैसे औरंगजेब ने अपने लिए एक मस्जिद लाल किले बनवा ली थी, लाल किले के अंदर मस्जिद बनवाई थी। हाँ, वो जो मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद है औरंगजेब की, तो वो औरंगजेब ने बनवाई, शाहजहां ने नहीं बनवाई थी। मैं निगम बोध घाट के हवाले से मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ गया जी। जी, वो किस्सा ये बताया जाता है कि प्राचीन काल, और हमारा प्राचीन काल पांडव काल है, तो ब्रह्मा जो रचेता है, जिन्होंने सारी सारे संसार की रचना की है, उनको अहंकार हो गया और वो अपना सारा ज्ञान भूल गए। फिर उन्होंने पश्चाताप करना शुरू किया, तो फिर आकाशवाणी हुई कि जमुना जी में इस खास जगह पर तुम स्नान करो तो तुम्हारा ज्ञान वापस आ जाएगा। जो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो उन्होंने वहां पर स्नान किया उस स्थान पर, और उस वजह से वो जगह निगम बोध घाट घाट कहलाई। वहां पे उन्हें निगम का बोध दोबारा हुआ, निगम का बोध। और बशीरुद्दीन अहमद की किताब में ये है कि वहां पर एक छोटी सी छतरी थी जो नीली छतरी के नाम से मशहूर थी जी, और वो नीली छतरी इसलिए कहलाती थी कि उसके ऊपर हुमायूं ने टाइल वर्क करवाया था, खूबसूरत टाइल्स उसने, वो जो ग्लेज टाइल्स जो सेंट्रल एशिया से आई हैं, वो उसने उस छतरी के ऊपर लगवाई थी। छतरी वहां पहले से थी, हुमायूं ने उसके ऊपर टाइल्स लगवाई। 1920 में बशीरुद्दीन अहमद कहते हैं कि ये मैंने
सुना है और मेरा ख्याल उन्होंने जिक्र भी किया है कि सर सैयद ने भी इसका जिक्र किया है, लेकिन मुझे उस नीली छतरी का कोई ट्रेस नहीं मिलता। अब कोई उसका ट्रेस नहीं मिलता। मैंने कुछ साल पहले देखा सलीमगढ़ फोर्ट की जो एंट्री है जमुना के पुल से पहले, उसके सामने एक मंदिर है जो नीली छतरी मंदिर कहलाता है। अच्छा, उस जमाने में जब मैंने देखा था उसके ऊपर नीले रंग का पेंट था। अभी मैंने दो साल पिछले साल देखा, अब उसके ऊपर नीले रंग की बाथरूम टाइल्स लगी हुई। अच्छा, ग्लेस टाइल्स। तो अब क्या वो जगह वो है जहां पर नीली नीली छतरी का मंदिर था जिसके नाम से निगम बोध घाट बना? क्योंकि अगर आप 1800 जगह तो आप जो बता रहे हैं आशमी साहब वो तकरीबन वही जगह है, क्योंकि वो जो पुल बनाया गया था लाल किले से सलीमगढ़ का, उस पे भी जो कतबे लगे हुए थे और वो जो शाहजहां ने कतबे लगवाए थे, तो वो एरिया तो वही है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। 1857 के जो कश्मीरी गेट पे हमला हुआ है, जो अंग्रेजों ने किया जिससे वो शहर में घुसे हैं, उसकी जो पेंटिंग्स हैं उनमें एक दरवाजा दिखाई देता है। वो कश्मीरी गेट पे हमला कर रहे हैं और उनके बाएं हाथ पे एक दरवाजा दिखाई देता है, और बशीरुद्दीन अहमद की के किताब में एक ड्राइंग में वही दरवाजा दिखाया गया है और उसका नाम निगमबोध दरवाजा लिखा हुआ है। तो वो लगभग वहां हो सकता है जहां सलीमगढ़ फोर्ट है उसके आसपास, लेकिन आज जो निगमबोध दरवाजा है वो बिल्कुल दूसरी जगह है। वो तो इंद्रप्रस्थ कॉलेज, वो जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है उसके पास और उसके जीपीओ के बीच में है। लेकिन वो जो निगमबोध घाट है जिसके पास वो मोक्ष द्वार है, वो एक अलग है, जो लाल किले के पीछे जो मोक्ष द्वार है तो वहां पूरा निगमबोध घाट नहीं। तालिब भाई मैं आपको बताता हूँ कि जो ज्योग्राफिया आप आज देख रहे हैं वो ज्योग्राफिया शाहजहां के समय में बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल फर्क था, बिल्कुल फर्क था। फसील के बाहर भी और फसील के अंदर भी। फसील के अंदर जो शाहजहानाबाद की जो हवेलियां थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी, जिसके अंदर से मोहल्ले निकल गए, पूरे इलाके निकल गए, मोहल्ले निकल गए उन हवेलियों के अंदर से। उन हवेलियों में एक नहीं सौयों हवेलियां जो है वो बन के निकल आई है। जैसे कि आज अब एक हवेली के अंदर जो है वो कई फ्लैट निकल के आ रहे हैं, उसी तरीके से जो है ये डीजेनरेशन हैड बीन हैपनिंग सिंस द शाहजहानाबाद टाइम। ये अशोक भाई वो जो हवेली हैदरकुली है उसमें के साथ ये हुआ, नमक हराम की हवेली के साथ ये हुआ, छुन्नामल की हवेली अगर इनके पास न रह गई होती तो इसमें भी 250-300 घर बन गए होते, ज्यादा बन गए होते। बिल्कुल ज्यादा बन गए। 250-300 घर नहीं, 2500 दुकानें तो निकली हुई हैं नीचे ही बेसमेंट में। ये जो अशोक साहब आप ज्योग्राफिया की बात कर रहे हैं, पाश्वी साहब ये लाल किले के फौरन पीछे जो पानी दरवाजा था और खिजरी दरवाजा भी जिसे कहते थे, वो तो पूरा साहिल समंदर था और पूरा वहां पर रेत पड़ी हुई थी। और वो जो वाकयात दारुल हुकूमत में लिखा है कि बादशाह जो है वो पानी दरवाजे से दाखिल हुए थे पहली बार जब वो लाल किला बना था, तो ये साहिल पूरा वहां तक था। तो जाहिर है कि ये आगे का इलाका कैसे निगमबोध बन सकता है? नहीं देखिए, जमुना जो है जी, वो जिसे हम सलीमगढ़ किला जिसको कहते हैं जी जी, वो उससे पहले जमुना एक स्ट्रीम की शक्ल में आ रही है, उसके बाद वो फटती थी और उसके बीच में एक आइलैंड बनता था, उस आइलैंड के ऊपर सलीमगढ़ फोर्ट बना और फिर जमुना ने एक कर्व लिया। तो जहां उसने कर्व लिया वहां पे उसने रेत छोड़ी, उस रेती के ऊपर लाल किला बना था। तो लाल किला और जमुना के बीच में हमेशा एक रेत की पट्टी थी जिसके ऊपर शाहजहां इनकी ऊंटों और हाली और इनकी ऊंटों की लड़ाई का वो देखा करते थे, और बहादुर शाह जफर यहाँ पे खड़े होकर पतंग उड़ाया करते थे। और ये एक्सटेंड करती थी आईटीओ तक। अच्छा, आईटीओ तक जाती थी, जहाँ आज आईटीओ है वहां तक रहती थी, और वहां पे लोग जाते थे पतंग उड़ाने के लिए। उसका पता नहीं क्यों वो मशहूर रहती है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, जहाँ पे लोग पतंग उड़ाने के लिए जाया करते। अच्छा अजमी साहब, ये आखिरी हमारे पास 5-7 मिनट रह गए हैं, मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज आपसे पूछना चाहता हूँ।
ये मुझे जानना था कि क्या लाल किले या लाल किले के अतराफ में मंदिरों की तादाद थी। देखिए जो मतलब जो मेरी जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है वो मेरा ख्याल ये है कि बड़े मंदिरों की बड़े मंदिर जो आपको दिखेंगे वो वहां दिखेंगे जहां पर हिंदू रूलर्स थे, जैसे जयपुर, जोधपुर, राजस्थान का बड़ा इलाका, मध्य प्रदेश, जहां पर मतलब छत्तीसगढ़ ये वगैरह, यूपी, मथुरा, वृंदावन, जहां के रूलर्स हिंदू थे। इवन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड यहाँ के जो राजे, बहुत सारे राजे थे, मनसबदार थे, वो हिंदू थे, वो बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे। ये जो मुसलमानों का, इस शहर का बादशाह तो मुसलमान था और इसमें नोबिलिटी में भी मुसलमान थे काफी, तो वो उन्होंने मस्जिदें बनवाई। मेरी समझ में बड़े मंदिर बनाने का जो ट्रेडिशन है वो सिर्फ सीधा राजाओं से और नोबिलिटी से जुड़ा हुआ है। ओके। मुसलमानों में चंदा इकट्ठा करके भी बड़ी मस्जिद बनाने की एक टेंडेंसी है, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए आपको जगह चाहिए होती है, बिकॉज इस्लाम इज अ कॉन्ग्रीगेशनल रिलीजन, हिंदुइज्म इज नॉट अ कॉन्ग्रीगेशनल रिलीजन, वर्शिप इंडिविजुअल होती है। कितना ही बड़ा मंदिर क्यों ना हो, गर्भगृह बहुत छोटा होता है, एक पुजारी होता है, एक मूर्ति होती है, एक वर्शिपर होता है। सही। तो बड़े मंदिर बनाने की जो परंपरा है वो मेरे हिसाब से रिलेटिवली न्यू है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ रॉयल्टी। मतलब अगर आप जयपुर के उसमें जाएं किले में, तो जयपुर के अंदर भी जो काला उसका दुर्गा का मंदिर है, बहुत छोटा सा मंदिर है किले के हिसाब से आप देखिए तो, क्योंकि वो रॉयल फैमिली वहां वर्शिप करने जाती थी। तो ये जो है, तो मंदिर ये एक है, लेकिन हमारे वहां साउथ में हम देखते हैं कि कोणार्क का मंदिर इतना बड़ा है, तो साउथ में हम देखते हैं कि भाई बड़े बड़े मंदिर हमको साउथ में नहीं, वो वहां के बड़े हिंदू राजाओं ने बनवाए हैं जी। क्योंकि दिल्ली में जो बड़े हिंदू रूलर्स थे वो 12th सेंचुरी के बाद से है ही नहीं, तो बड़े मंदिर कैसे बनेंगे। सही, ये मेरा ख्याल है, ये है, क्योंकि जो इस पर रिसर्च जो हुई है उसमें कुल मिला के 60 मंदिरों का रिकॉर्ड मिलता है जो तोड़े गए, और वो 60 के 60 मुसलमानों ने नहीं तोड़े। बहुत से वैष्णव भक्ति वालों ने शेवाइट्स के तोड़े और शेवाइट्स ने वैष्णवाइट्स के तोड़े, तो ये भी हुआ है। तो ये जो है, मतलब आप वो बहुत सारे जैन और हिंदू मंदिर तोड़ के वो पहली मस्जिद बनी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई, जिसको सर सैयद ने कुव्वतुल इस्लाम का नाम दे दिया, उसका ये नाम था नहीं। और लेकिन वहां से 200 गज दूर जो माया का मंदिर है वो तो नहीं तोड़ा गया, वो एक पॉलिटिक्स थी। आपको ये साबित करना होता था कि आपका भगवान ज्यादा पावरफुल है, वो आपने साबित कर दिया, उसके बाद खत्म मामला। यकीनन नाशवी साहब, बहुत सही बात आप कह रहे हैं, और ये जो भी आपने मंदिरों के बारे में बताया और अशोक माथुर साहब ने जो हमें मंदिरों के बारे में बताया, हमारे नाजरीन को उससे बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मसूद साहब जो हमारे यहाँ एंकर थे, वो उनका नेटवर्क का कुछ इशू हुआ। नाशवी साहब, आप से तो